बाद में बहुत सारी याद करती थी, रोने लगती थी और सब बताती थी, गांठे लगाती थी। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे। एक ऐसा अवसर है, हम फिर एक बार उन आजादी के दीवानों को याद करें ये मेरा सौभाग्य है कि आज चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पर आजाद मंदिर में आकर के सर झुकाने का मुझे अवसर मिला। आजाद हवा की हर एक सांस में उन मतवालों की महक है, आजादी के हर एहसास में उस क्रांति की धमक है। हम आजाद हैं आज, पर सिर्फ उन कुर्बानियों की बदौलत। आज हम चंद्रशेखर आजाद की कहानी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कुर्बानी याद करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे। हम उसी वीर की दास्तान सुनाते हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगा सकते, और सचमुच वो मरते दम तक आजाद हैं। जुलाई 1906 को इसी गांव भाबरा में चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। देश के बाकी हिस्सों की अपेक्षा अपनी ही रफ्तार से चलता ये गांव बेहद पिछड़ा था। चंद्रशेखर तेजस्वी थे, पढ़ाई लिखाई में अव्वल, और शरीर से तगड़े होने के नाते उन्हें मलखम तीरंदाजी का भी बेहद शौक था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी अपना रास्ता चुन ही लेती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्यहीन जीवन चंद्रशेखर को रास नहीं आ रहा था। कई दफा घर पर पिता सीताराम तिवारी और मां जगरानी देवी से इसका जिक्र भी किया, पर वो अपने बेटे को घर से दूर भेजने को कहां राजी होने वाले थे। 14 साल के होते होते चंद्रशेखर एक दिन खुद अपना रास्ता बनाने निकल पड़े। एक बंबई का व्यापारी हीरे नगीने लेके आता था जवाहरात, जमींदारों के यहाँ, महाराजाओं राजाओं के यहाँ। तो वो उनके साथ चले गए, बंबई पहुँचे। बंबई में ये बंदरगाह पे गए, ठेकेदार के अंडर में रह के जहाज की पेंटिंग करने का काम किया इन्होंने पुताई का थोड़े दिन तक। उसके बाद वो भी इनको रास नहीं आया वहां। मुंबई में रहते हुए चंद्रशेखर को फिर वही सवाल परेशान करने लगा, अगर बस पेट ही पालना है तो गांव भावरा क्या बुरा था। पर अब उन्हें देश में चल रहे आंदोलन का भी ज्ञान हो रहा था। अखबारों पत्रिकाओं से अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में जानकारी मिल रही थी। फिर पिता की इच्छा थी कि चंद्रशेखर उच्च शिक्षा हासिल करें, तो उन्होंने काशी कूच कर दिया। काशी उन दिनों ना सिर्फ अध्ययन का केंद्र था बल्कि क्रांति का भी। चंद्रशेखर यूं तो संस्कृत पाठशाला में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की ओर था। 1919 में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की बर्बर कार्रवाई ने समूचे हिंदुस्तान को आक्रोश से भर दिया था। 1915 में हिंदुस्तान लौटने के बाद से महात्मा गांधी लोगों को संगठित करने में जुटे हुए थे। शुरुआत में उनके तरीके कांग्रेस की समझ से परे थे, लेकिन 1920 तक तस्वीर बदल गई। गांधी जी ने 1921 में ऐलान किया कि आजादी चाहिए तो देशवासियों को अंग्रेजों से असहयोग करना होगा। काशी
काशी में भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और ये हुआ संस्कृत कॉलेज से। चंद्रशेखर भी यहां धरना दे रहे थे जब अचानक पुलिस वहां आई और सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर के अलावा बाकी विद्यार्थी उम्र में बड़े थे और उन्हें कठोर कारावास की सजा दी गई, पर चंद्रशेखर को विकल्प दिया गया कि वो माफी मांगकर चेतावनी के साथ छोड़े जा सकते हैं। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और इसकी उम्र को देखते हुए ये अदालत इसे 15 बैतों की सजा मुकर्रर करती है। ये किसी स्कूल के बेत की तरह नहीं होते थे कि हाथ आगे करो और सजा पाओ। ये पतले और लंबे कसूरी बेत होते थे जिन्हें पानी में रखा जाता था, कैदी को बांध दिया जाता था और फिर पूरे जोर से ये बेत बरसाए जाते, इतनी ताकत से कि पीठ की पूरी चमड़ी उतर जाती, मांस फट जाता और घाव ठीक होने में 6-6 महीने लग जाते। बड़े से बड़ा अपराधी इस सजा से थर्राता था, पर ये तो चंद्रशेखर थे। मारे से एक, दो, वंदे मातरम, तीन, भारत माता की जय। बोलो से ये ले 3 आने, सरकारी खर्चे पे इलाज करा ले। नहीं चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। असहयोग आंदोलन अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी ने सख्त ताकीद की थी कि हर जुल्म को खामोशी से सहना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा गांव में लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वहां पुलिस की यातना के जवाब में गांव वालों ने पुलिस थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी। उस घटना में 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी ने इसे अपनी विफलता माना और असहयोग आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। देश के लोगों के लिए यह फैसला कबूल कर पाना मुश्किल हो रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब सभी देशवासी आजादी के लिए प्राण न्योछावर करने तक को आतुर हैं, जब अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानी असहयोग के आगे टूट रही है, तब ऐसा फैसला आखिर क्यों? ऊपर से चौरी चौरा कांड में भी इंसाफ के नाम पर दमन ही किया गया। इस कांड में 228 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 6 पुलिस कस्टडी में मारे गए और 172 को फांसी पर लटका दिया गया। इस कानूनी हत्याकांड से देश सहर उठा। महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते से कई क्रांतिकारियों का मोह भंग होने लगा। चंद्रशेखर उन्हीं में से एक थे। यूं तो क्रांतिकारी संगठनों की शुरुआत बंगाल से हुई थी और वहां अनुशीलन समिति नाम की संस्था काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश में था क्रांतिकारी दल। अब इन दोनों संगठनों ने एक साथ आने का फैसला किया और फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। 1923 में आजाद इसके सदस्य बन गए। चंद्रशेखर आजाद अब अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे और पूरा वक्त देश के नाम समर्पित करते थे। उस दौरान उनके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, पर आजाद की चिंता मां से पहले भारत मां की थी। क्रांति के लिए भी धन की आवश्यकता थी
और आजाद पर जिम्मेदारी थी कि वो धन जुटाए। भगत सिंह ने पूछा था, तुम्हारी माता जी कहाँ, तुम कभी खबर नहीं लेते, आजाद पूरे आजाद ही हो, माँ बाप किसी के आने। तब आजाद जी ने जवाब दिया कि हमसे मतलब है, हमारे साथ रहते हो, माँ से क्या मतलब, हमारी माँ क्यों पूछा, नहीं बताया कभी किसी से, नहीं बताया। चंद्रशेखर आजाद के एक बड़े भाई भी थे, बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ सालों में पिता भी चल बसे और माँ जगरानी देवी अकेली रह गई। पर चंद्रशेखर आजाद तो अपनी मातृभूमि का प्राण ले चुके थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनने के बाद आजाद का परिवार उनके साथी क्रांतिकारी ही थे और उनका धर्म देश प्रेम। अब आजाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों की सोबत में थे। आजाद ने बचपन से कभी हथियार थामना तो दूर देखा तक नहीं था, पर लगातार अभ्यास से अब चंद्रशेखर का निशाना इतना अचूक था कि पुलिस वाले उनसे थर-थर कांपते थे। काशी में एक दफा गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर ने प्रण किया था कि दोबारा कभी कोई पुलिस वाला उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकेगा। मरते दम तक उन्होंने इसे निभाया। हालांकि अनगिनत कोशिशें हुई थी चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने की, लेकिन वो आजाद ही रहे। लेकिन पुलिस से लुका छिपी अपनी जगह थी। संगठन के लिए धन जुटाना एक अलग ही परेशानी। 9 अगस्त 1925 को इसी कोशिश में क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक निर्भीक ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इसमें बिस्मिल, अशफाक उल्ला और आजाद समेत 10 लोग शामिल थे। काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 हमारे देशभक्तों ने रेल से खजाना लूट लिया। ये घटना 9 अगस्त 1925 की है। बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को सजाए मौत दे दी गई। आजाद भी इस डकैती में शामिल थे, लेकिन कोई उनकी भनक भी नहीं पा सका। आजाद ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह जेल पर आक्रमण करके अपने साथियों को छुड़ा लें, पर संगठन बिखर चुका था। बिस्मिल के जाने से मानो सब कुछ खत्म सा होने लगा। वो एक कमाल के नेता थे, योजनाएं बनाते, नेतृत्व करते, आजाद अकेले पड़ गए थे। क्रांति की आग हवा के झोंके से नहीं बुझती, वो तो और भड़कती है और लहकती है। बिस्मिल और अशफाक की शहादत ने आजाद को बेचैन किया था, पर बेबस नहीं, और अब तो देश की क्रांति को एक नई ताकत मिलने वाली थी। गुरुजी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम, आओ भगत, बड़े अच्छे वक्त पर आए तुम। मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूं, तुम शायद पहले इन्हें जानते ही होगे। ये आजाद हैं, चंद्रशेखर आजाद। पंडित जी, अरे बहुत नाम सुना है आपका। और हाँ आजाद, ये भगत है, भगत सिंह, मातृभूमि पर जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार। देखो भगत, मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों साथ मिलकर काम करो। आजादी की इस लड़ाई में भगत सिंह बिखर सकता है पंडित जी, लेकिन टूट नहीं सकता। मेरे सीने में भी वही आग जल रही है जो आपके और गुरुजी जैसे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने में जल रही है। ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर दिया। आजाद को कुछ पल का संदेह जरूर हुआ था, लेकिन भगत सिंह और उनकी साझेदारी युगों युगों की मिसाल बनने वाली थी। पहले विश्व युद्ध में सैनिकों के तौर पर सहायता देने के बदले अंग्रेजों ने वादा किया था कि एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो ये तय करेगा कि भारत को कैसे और कब आजादी दी जाए। इस कमीशन के आधे सदस्य हिंदुस्तानी और आधे ब्रिटिश होने वाले थे। युद्ध खत्म हुआ, पहले तो अंग्रेजों ने कमीशन बनाया ही नहीं। बहुत दबाव पड़ने पर 1928 में इस आयोग का गठन हुआ।
पर सातों सदस्य अंग्रेज नियुक्त किए गए। हिंदुस्तान इस छलावे से आहत था। साइमन कमीशन के खिलाफ देश में अलग अलग जगहों पर मोर्चाबंदी हो रही थी। कमीशन के सदस्य जहां जाते साइमन गो बैक के नारे से उनका स्वागत होता। लाहौर में ऐसे ही एक जुलूस की अगुवाई कर रहे थे लाला लाजपत राय। ये जुलूस निहत्था और शांति प्रिय था, पर पुलिस ने इसे तोड़ने के लिए बेदर्दी से लाठियां भांजी, मानो जुलूस नहीं लोगों की आत्माएं तोड़नी हो। लाला लाजपत राय को गहरी चोटें आईं और उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने भी फैसला किया कि अंग्रेजों को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अहिंसा अपनी जगह, पर उन्हें यह आभास नहीं होना चाहिए कि अहिंसा हिंदुस्तान की कमजोरी है। यह मौत नहीं है, हत्या है। हमें लाला जी की हत्या का बदला लेना ही होगा। लाठीचार्ज का हुक्म यहां के पुलिस अधीक्षक ने दिया था ना? स्कॉट। हमें उसे ही मरवा देना चाहिए। योजना बहुत बड़ी है, लेकिन यहां लाहौर में हमारे अलावा हमारे दल के बाकी सदस्य नहीं है। उनका इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप जैसा ठीक समझे, हम सब आपके साथ हैं। जो भी फैसला लेंगे जान लगा देंगे। जय गोपाल, तुम स्कॉट के आने जाने वाले रास्ते पर ध्यान रखोगे, कहां जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ, लेकिन बहुत ध्यान से। 15 दिसंबर। 15 दिसंबर। सावधानी से सब लोग अपने अपने कामों में लग जाओ। स्कॉट को मारने का ये प्लान यूं तो पूरी तरह दुरुस्त था, पर जय गोपाल ने उसे पहचानने में भूल कर दी और जॉन सॉन्डर्स को स्कॉट समझ बैठा। भगत सिंह ने बंदूक की 4-5 गोलियां उसके सिर में उतार दी। सॉन्डर्स वहीं गिर गया। ये सभी क्रांतिकारी डीएवी कॉलेज की तरफ भागे, लेकिन पुलिस उनके पीछे लग चुकी थी। राजगुरु को पकड़ना बेहद आसान था, पर पुलिस वाले भगत सिंह को पकड़ना चाहते थे। ऐसे में काम आया चंद्रशेखर आजाद का अचूक निशाना। चनन सिंह नाम के एक हवलदार ने इनका पीछा किया। चनन सिंह हाथ बाहर आता भगत सिंह को पकड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में डीएवी कॉलेज की दीवार पर बैठे हुए आजाद ने पहला फायर किया, जो चनन सिंह के रान में लगा। चनन सिंह फिर भी दौड़ता गया। दूसरा फायर हुआ जो उसके पेट में लगा और चनन सिंह धराशायी हो गया। इस तरह से ये दोनों साथी आजाद की उस निशाने की वजह से सही सलामत वहां से बाहर हो सके। अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन खिसक गई। वो भगत सिंह और आजाद को पकड़ने के लिए छटपटाने लगे। इन क्रांतिकारियों का संघर्ष तो कुछ ऐसा था कि एक दिन में बामुश्किल एक बार का खाना मुमकिन होता और पुलिस मौत बनकर हर ओर मंडराती रहती। फिर भी देश प्रेम में मतवाले ये सेनानी कहां सहमने वाले थे। एक बात और, अपने राजगुरु भी जो है ना कमाल करते हैं, जब देखो तब सोते रहते हैं, और उससे ऊपर भी बात क्या है, हजरत चलते चलते भी सो जाते हैं। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये लॉकअप में होंगे और आंख खुलेगी, ये मैं जिंदा हूं या मर गया। और भगत सिंह तो सिनेमा हॉल में ही पकड़े जाएंगे। अच्छा। और फिर पुलिस से कहेंगे क्या गजब हो गया भाई, अरे खेल तो पूरा देख लेने दीजिए। और अपने पंडित जी,
पहाड़ में किसी मित्र के साथ शिकार खेलते हुए, जो कि दरअसल मित्र नहीं होगा, बेहोश करके ले जाएगा जेल और फिर धारा 121 और फिर फांसी। ऐसे मित्र हैं। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। अरे लेकिन एक बात और है कि अपने पंडित जी के लिए दो रस्सों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? अरे भाई इतना भारी भरकम शरीर जो है। अरे ना भाई ना, मुझको ना है फांसी की जरूरत। फांसी का रस्सा जो है ना हमारे भगत सिंह जी को मुबारक। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे पंडित जी के पास ये है ना, तब तक किसी माँ ने अपने लाडले को इतना खालिस दूध ना पिलाया जो आजाद को जीवित रहते पकड़ ले। बिल्कुल सही कहा तुमने। है कि नहीं? जो अपनी मौत को लेकर ऐसे मजाक कर सकें, उन्हें भला किस बात का खौफ? सर पर कफन बांधे ये तो बस भारत माँ की सेवा में जुटे रहे। आजाद की बातों में जैसे भविष्य का आभास था, क्रांतिकारी दल के अगले ही लक्ष्य की पूर्ति में भगत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने एक पर्ची भिजवाई लेकिन भगत सिंह ने जेल से रिहा होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें फांसी की सजा हुई है, हम फांसी की सजा से देश के नौजवानों को संदेश देना चाहते हैं और वो संदेश ये है कि हम हंसते हंसते कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर अकेले पड़ गए थे। उन्होंने भगत सिंह को पुलिस की कैद से छुड़ाने की कई योजनाएं बनाई, कई कोशिशें की, लेकिन पुलिस की दबिश ऐसी थी कि दल के सदस्य एक जगह जुट ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से ये संकट कि क्रांतिकारियों के लिए धन कैसे जुटाया जाए, सख्त पहरे में ये भी संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि इस दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों में आजाद ने कमी नहीं आने दी। दिसंबर 1929 में दिल्ली के नजदीक वॉयसराय की रेलगाड़ी के नीचे विस्फोट कर हुक्मरानों को कड़ा संकेत दिया गया। पर बड़ी कोशिश ये भी थी कि मुख्य धारा में कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारियों की बातों को समझें। इन्हीं कोशिशों में एक दफा आजाद कांग्रेस नेता मोतीलाल नेहरू से मिलने इलाहाबाद के आनंद भवन भी पहुंचे। मजबूरी थे इनके अपने दल क्रांतिकारियों के सहयोग में पहुंचे थे कि आप अंग्रेजों से समझौता कर रहे हो, आगे कुछ वर्षों में चंद वर्षों में आज़ादी मिल जाएगी, तो आप हमें यह बताइए उस समझौते का प्रावधान क्या रख रहे हो। हमारे जैसे जाने अनजाने सैकड़ों क्रांतिकारी देश में ऐसे हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं, उनको सजाएं घोषित हो चुकी हैं, फरार हैं वो, क्या ये आज़ादी के बाद मुकदमे चलते रहेंगे? आज़ाद अपने कई भरोसेमंद और करीबी साथियों को खो चुके थे, पर अब वो किसी ऐसी तलाश में थे जिससे किसी और को गंवाना न पड़े। क्रांति के रास्ते से उन्हें कोई नहीं हटा सकता था, पर अब वो चाहते थे कि जो भी हो उसमें सब साथ रहें। चंद्रशेखर आजाद अभी भी भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश, उन्हें बचाने के पशुपेश में उलझे थे। उन्होंने इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की थी, पर उलझने सुलझ नहीं पा रही थी। नेहरू ने अपनी जीवनी में इस मुलाकात का जिक्र किया है, पर कांग्रेस और क्रांतिकारियों के बीच रिश्तों की तलखी उस मुलाकात में भी दिखी और जीवनी में भी। 27 फरवरी 1931 का दिन था, उसी दिन ये आनंद भवन पहुंचे थे पहली बार। क्या ये आजादी के बाद मुकदमे चलते रहेंगे, ये समाप्त हो जाएंगे आजादी के बाद? तो नेहरू जी ने तपाक से जवाब दिया था कि नहीं, ये सब मुकदमे चलते रहेंगे, फरार हैं वो पकड़े जाएंगे, उनकी सजा है वो जेल भेजे जाएंगे, फांसी है तो फांसी दी जाएगी। उन दिनों गांधी इरविन समझौते की चर्चा जोरों पर थी और आजाद ये जानना चाहते थे कि किन मुद्दों पर समझौता किया जा रहा है। बहरहाल राजनीतिक हलचल से दूर अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों में कमजोर लोगों को चुन चुन कर फुसला रही थी।
चलो। आए दिन गिरफ्तारियों और मुठभेड़ की खबरें आम हो गई। गिरफ्तार साथी तो मुखबिरों को पहचान जाते, पर पुलिस की गिरफ्त में होने के नाते वो आजाद को कुछ बताते भी तो कैसे। सरकार की जो गुप्तचर एजेंसियां थी उनको बहुत व्यापक जानकारी थी हरेक क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में, जिसके विषय में काफ़ी विस्तार से लिखा जा चुका है। तो उनके अधिकतर जो उनके जो कार्यकलाप थे उनका सरकार को पता रहता था। आजाद सच जान ही नहीं पाए, वो तो पूरे भरोसे से अपने सभी साथियों से मिलते। 27 फरवरी की सुबह भी वो अपने साथियों की सुरक्षा को लेकर ही चिंतित थे। 27 फरवरी 1931 एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद। तुम बर्मा गए हो? हाँ। बर्मा के रास्ते हमारे कुछ साथी सुरक्षित निकल सकते हैं, लेकिन इलाका बहुत दुर्गम है। एक मिनट, वीरभद्र जा रहा है ना, शायद उसने देखा नहीं हमें। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था कि मार्ग बेहद कठिन है, लेकिन आपका सोचना सही है। कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा। ए, हु आर यू? व्हाट आर यू डूइंग हियर? आजाद ने जब तक पिस्तौल तानी तब तक अंग्रेज अफसर की बंदूक से गोली निकल चुकी थी। ये गोली सीधे आजाद की जांघ में लगी। फिर तो अल्फ्रेड पार्क में छिपे कई सौ पुलिस वाले हर तरफ से बरस पड़े। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथी को वहां से भाग जाने को कहा और खुद एक जामुन के पेड़ की ओट लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट नॉट बावर को आजाद ने कंधे में गोली मारी। सीआईडी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को भी बुरी तरह घायल कर दिया। 20 मिनट की गोलाबारी में कई सिपाही आजाद के सटीक निशाने से घायल पड़े कराह रहे थे, पर एक अकेले आजाद आखिर कब तक इनका मुकाबला कर सकते थे? गोलियां खत्म होने वाली थीं, आजाद खुद से किए अपने वादे को याद कर रहे थे। आजाद है और आजाद ही रहेंगे। पुलिस का हाथ उन पर पड़े उससे पहले आजाद ने उंगली घोड़े पर और पिस्तौल अपनी कनपटी पर लगा ली। थमो नहीं, चलते रहो, बस यही जीवन का नियम। ठीक कह रहे हैं आप गुरुजी। क्योंकि जब तक तुम्हारे पंडित जी के पास ये है ना, तब तक किसी माँ ने अपने लाडले को इतना खालिस दूध ना पिलाया तो आजाद को जिंदा पकड़ ले। चंद्रशेखर मरते दम तक आजाद रहे। उनके मरने के बाद किसी अंग्रेज पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी लाश को जाके या उनके शहादत शहीद शरीर को जाके छू सके। बहुत सारे अंग्रेज पुलिसकर्मी, सेना के लोग दूर से गोलियां चलाते रहे और हजारों सैकड़ों राउंड गोलियां चलने के बाद ये जब पक्का यकीन हो गया कि चंद्रशेखर आजाद जीवित नहीं है, तब जाके उनकी पार्थिव शरीर को अंग्रेज पुलिस ने छुआ। भगत सिंह की फांसी की मुकर्रर तारीख से 24 दिन पहले अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद दुनिया को अलविदा कह चुके थे। एल्फ्रेड पार्क में आजाद के लहू से रंगे उस जामुन के पेड़ को रातों रात कटवा दिया गया। उनके अंतिम संस्कार की खबर तक नहीं लगने दी गई, पर आवाम का आक्रोश
इन संकेतों का मोहताज नहीं था। उस दौर में चंद्रशेखर आजाद की शहादत ने अनगिनत लोगों के देश प्रेम को एक नया जोश दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आजाद को अपना आदर्श मानते थे, पर आजादी के इस परवाने को आने वाली पीढ़ियों ने पत्थर की मूर्तियों के अलावा आखिर क्या दिया? आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। और मेरा तेवर बोलता है, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे, शायद पल दो पल को उसकी निद्रा होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। आजाद की मां ने उनके इंतजार में अपनी जो दो उंगलियां धागे से बांध रखी थी, वो धागे आजाद की मौत के बाद टूट गए। पर उनके बेटे की कुर्बानी ने न जाने कितनी माओं को बेटों की जुदाई के गम से बचा लिया। आज हमारे देश को उस कुर्बानी की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो उस परमवीर शहीद के उसूलों से सबक लेने की, उस देश प्रेम को जज्ब करने की। आज के लिए इतना ही। We'll be right back.